मॉर्निंग गाइस, और हम निकल रहे हैं यहाँ से अभी नाभी से ओम पर्वत के लिए। यहाँ पे हमारे सीधा कल गाइस पहुँच गए हम ओम पर्वत। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज गए 9:30 और अभी रेडियो के बैठे हैं। ये सागर, ये डॉक्टर साहब, एकदम कोजी स्टे रहा है एकदम यहाँ पे। बहुत बढ़िया से खाना पीना हुआ। आप सुबह ब्रेकफास्ट करके रेडी होके और बस निकलने वाले हैं। एक दो है जो लेट कर रहे हैं। हमारी कैसी की ऊपर दिखता है नहीं दिखता है आज। देखो अब क्या होता है, किस्मत का खेल है। सब किस्मत का खेल है। अब तो एक सेकंड में गायब और एक सेकंड में दिख जाता हूँ ऊपर। यहाँ पे हमारे सीधा कल, ये हमारा फ्रेंड है एक योग, उसने भी स्टार्टअप किया है यहाँ पे। बहुत बढ़िया स्टे। और ये इसका मैस है इधर। इधर हमने रात को डिनर किया था और सुबह हमें ब्रेकफास्ट। और बिल्कुल देखो मस्त एकदम यहाँ पे नज़ारे। और हम निकल रहे हैं यहाँ से अभी नाभी से ओम पर्वत के लिए और करते हैं गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट। पूरी गाड़ी देखो कितनी गंदी हो चुकी है। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी गाड़ी ने। ये देखो DPF क्लीन कर रही है गाड़ी हाई RPM पे। हम निकलते हैं यहाँ से ओम पर्वत के लिए सीधा, दिखाते हैं आपको सुंदर नज़ारे यहाँ के। गाइज अभी हम रुके हैं काला पानी यहाँ पास दिखाने के लिए। और ये सामने दिख रहे हैं आप, ये है नाग पर्वत। कहते हैं कि अगर ये दिख जाता है तो ओम पर्वत के दर्शन हो जाते हैं। और सामने देखो इस वाले। अभी यहाँ पे लोकल्स ने बताया, आर्मी ने बताया सॉरी। हाँ ये देखिए, ये है नंदी का मुँह और ये शेर का मुँह इधर, ठीक है। एंड इधर देखिए गणेश जी और इधर भोले जी हैं। देखो ये इधर थोड़ा इमेजिन करना, थोड़ा देखो ध्यान। और ऊपर इधर इधर नाग पर्वत है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक बार नाग पर्वत के दर्शन हो जाते हैं तो फिर इससे ओम पर्वत के भी हो जाते हैं। ये बहुत लकी लोगों का होता है, बहुत लोग आके चले जाते हैं। दो दो तीन तीन बार तब भी दर्शन नहीं होते ऊपर बन के, बट हम बहुत लकी हैं। इतने क्लियर नज़ारे, बिल्कुल साफ चारों तरफ से साफ मौसम। कितनी शांति यहाँ पे। और नीचे यहाँ पे ये काली नदी बह रही है, ये पूरा ऊपर से ग्लेशियर भी करके आ रहे हैं। गाइस जो ये रूट है सीधा कैलाश मानसरोवर के लिए भी जाता है। और ये सामने जो आप माउंटेन्स देख रहे हो इसके पीछे जस्ट लिपू लेक है जो एंड है इंडिया का। वहाँ से फिर कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होती है। यहाँ से अराउंड 30-40 किलोमीटर होगा यहाँ से कैलाश लिपू लेक। और उसके बाद हाँ, जो यात्री होते हैं उनको कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए चाइना को मतलब तिब्बत बॉर्डर पर हैंड ओवर कर देते हैं।
यात्रियों को। तो फाइनली वो पर्वत के दर्शन हो चुके हैं और यहाँ से हम निकल रहे हैं अपने होटल के लिए, होटल के होम स्टे के लिए जो ना अभी मैं और टायर भी पंचर हो गया था, हमें स्टैंड पर लगी हुई है यहाँ पे, पूरी गंदी हालत हो गई गाड़ी। गाइज ये पता नहीं किस चीज़ की नॉइज़ है जो गाड़ी से आ रही है, या तो ये हाई एल्टीट्यूड की वजह से है या कोई मिसिंग, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है किस चीज़ की नॉइज़ है, नई गाड़ी है बिल्कुल। चलो और देखते हैं, नई सर्विस सेंटर में जाके चेक करेंगे इसको क्या प्रॉब्लम है इसकी। थैंक यू गाइज लास्ट वीडियो पे इतना प्यार दिखाने के लिए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में जो होने वाला है हमारा नाभी से अधिकराश के लिए, और दिखाएंगे आपको आएंगे खूबसूरत नज़ारे।